जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए उमेश भाटी जी और पूरी कार्यकारिणी का बिलासपुर की चेयरमैन लता सिंह जी के पति संजय भैया के नेतृत्व में एचएस गार्डन में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। का सहयोग के साथ हम उम्मीद करते हैं कि भाटी जी जो है हमारे जल्दी जो उम्मीद और जिस विश्वास के साथ इन्हें जिताया और बनाया गया उस पूरे खड़े उतरेंगे और पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ उस पर काम करेंगे। क्योंकि इनके जो मैं चुनाव में एक दो दिन रहा दो तीन दिन तो मैंने देखा कि हर आदमी इस भाई की तारीफ कर रहा था कि भाई उमेश भाई डिजर्विंग है, उमेश भाई मेहनती है, उमेश भाई का व्यवहार मतलब सब चीज देख के ही आदमी वोट करता है। जैसे कस्बे में आपने चुनाव लड़ा, अभी 6 महीने हुए उस चुनाव को भी। हमारे स्वागत का ये मौका है और हमारे बिलासपुर के चेयरमैन साहब का जन्मदिन है, बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। इस मौके पर हमें यहाँ स्वागत का मौका मिला। हमारे बिलासपुर के पूर्व चेयरमैन और जितने भी मेंबर और पूर्व पदाधिकारी हैं उनको मेरा हाथ जोड़कर, सीनियर्स को हाथ जोड़कर मेरा नमन, और मेरे युवा साथी है सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ बहुत दूर मैं देख पा रहा हूँ, दूर दराज से इस सभा में सब लोग आए हैं, उन्होंने कष्ट उठाकर यहाँ, उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। साथ में इस बात का भी आभार प्रकट करता हूँ, मैंने देखा कि अब की बार इस बार के इलेक्शन में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के हर एक इंसान का योगदान रहा, हर किसी ने किसी से वोट मांगी। ये एक आग भाई, अब की बार भाई इनको देख लो, मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है और मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। साथ में ये भी आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी बार की तरफ से किसी भी को किसी गांव से जिस प्रकार जैसे प्रधानी खत्म हो गई है, किसी प्रकार की प्राधिकरण के लिए या किसी डीएम साहब के यहाँ किसी प्रकार की सहायता की कोई बात होगी, सहायता सब काबिल हैं, लेकिन जैसे भी जरूरत होगी हमें बार की तरफ से आश्वस्त करता हूँ। हमारे सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं, संचालक हैं, हमारे अरुण भाई बैठे हुए हैं, जितने भी एडवोकेट बैठे सबकी तरफ से, कार्यकारिणी की तरफ से आश्वस्त करता हूँ, हम आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहेंगे। और किसी प्रकार की मनमानी सरकार या संस्था विशेष की तरफ से हमारे आवाम, हमारे यहाँ स्थानीय लोगों गांव को होती है, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। एक वर्ष के लिए मैं पूर्ण आश्वस्त करता हूँ। बाकी हमारे उपाध्यक्ष और हमारी कार्यकारिणी की तरफ से शिक्षा पर विशेष रूप से बता दिया गया, मेरा भी हाथ जोड़ के सबसे प्रेयर है, ना लाठी चलेगी ना बंदूक चलेगी, सिर्फ कलम चलनी चाहिए हर घर में। हर घर में कलम चलाओगे तो मैं बताता हूँ, सिर्फ 5 साल का कष्ट एक परिवार को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए करना है। 5 साल एक मदर फादर अभी एक बच्चे को जब वो 12 साल का हो जाए 5 साल दे दें, चाहे मैं यही हूँ, चेयरमैन साहब हम सब हैं, आप देख लेना 5 साल में बच्चा अपने आप खड़ा हो जाएगा पैरों पे। वह 5 साल टीन एज में हर कोई अपने बच्चे को फोकस करे, वो कहाँ जा रहा, कहाँ से आ रहा, ना एक झगड़ा मिलेगा, ना लड़ाई मिलेगी, ना पुलिस चौकी में सिफारिश की जरूरत होगी, ना कुछ जरूरत होगी। तो मेरा यही कहना है, शिक्षा प्रथम है। बाकी आपने स्वागत के लिए उसके लिए बहुत बहुत आभार। बाकी यदि बार की तरफ से किसी को किसी प्रकार की किसी गांव से कोई बात होगी, हम उपस्थित है, कॉल मात्र पर उपस्थित मिलेंगे आपको, चाहे डीएम साहब के जाना हो, चाहे प्राधिकरण जाना हो, चाहे मुआवजे से संबंधित समस्या हो, कोई भी बिल्कुल। ये हमें ये कह के ना छोड़ दे, तो वकील हैं वहां बन गए, अंदर एक कैंपस में इनका वो है,
हमारा ये कहना, हम सारे समाज के लिए हैं और आप ही के भाई हैं, आप ही के बेटे हैं और आप ही के बच्चे हैं, तो हम पर अपना अधिकार रखें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँ, हाथ जोड़कर हमको, हम पे अधिकार जताएं, अधिकार से कॉल करें हमको। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने हमें यहाँ आमंत्रित किया और हमारा भव्य स्वागत किया। उसके बाद मैं चेयरमैन साहब का बहुत बधाई देती और उनका भी धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ और समस्त कार्यकारिणी का और समस्त गाँववासियों का भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आने वाले वर्ष के लिए आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ अध्यक्ष की तरफ से, बाहर की तरफ से, कि क्षेत्र में अगर किसी के खिलाफ भी अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ भी बाहर आपके साथ होकर लड़ाई लड़ेगी। आशीर्वाद के लिए आप सभी से इतना प्रेम और आशीर्वाद मिला उसके लिए धन्यवाद। इस तरह आपने भव्य स्वागत हमारे कार्य करने के लिए रखा है, हम उनका तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। और एक अपेक्षा मैं आप सबसे चाहूंगा, जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान मुनीश भाटी जी, हम समय कहते हैं शिक्षा, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन भी है और प्रार्थना भी है कि जितना से ज्यादा हो सको उतना ज्यादा अपने बच्चे को शिक्षित करें।